नमस्ते दोस्तों, दीपक मामुनी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना रिव्यू। आज की फिल्म है भूल भुलैया पार्ट 3, जो कि सिक्वल है भूल भुलैया फ्रेंचाइजी का। जो फर्स्ट पार्ट आया था 2007 में, जिसका निर्देशन किया था प्रियदर्शन साहब ने, और सेकेंड फिल्म आई थी इसका पार्ट 2 जो 2022 में आया था, जिसका निर्देशन किया था अनीस बज्मी साहब ने, और उसमें लीड किया था कार्तिक आर्यन ने। इस फिल्म में भी वो रिपीट है, कार्तिक आर्यन और अनीस बज्मी। तो शुरू करते हैं भूल भुलैया पार्ट 3 का रिव्यू। दिवाली का मौका है, इस मौके पे दो बड़ी फिल्में आई है, भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन। तो इसका ये भूल भुलैया फ्रेंचाइजी है वो बहुत हिट हो चुकी है, पहला पार्ट, सेकंड पार्ट, अभी ये तीसरा पार्ट आया। तो लोगों के जो एक्सपेक्टेशंस है वो भी बहुत हाई है, तो इसलिए मैंने ये फिल्म प्रेफर की पहले कि कौन सा रिव्यू आना चाहिए। तो जिसका जो ट्रेलर था, इसमें से तो लग रहा था कि कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ अलग देखने को मिलेगा। चलिए आप बात करते हैं क्या दिखा क्या नहीं। तो दोस्तों, ये फिल्म शुरू होती है एक, तो उसमें होता है कि एक राजमहल है, और उस राजमहल में ये कुछ आत्माएं रहती है जिसका नाम है मंजुलिका, और उसको बाहर निकालने के लिए उस राजमहल की जो राजकुमारी है, जो कि राजपाट सब चला गया है उनका, वो लेके आती है रू वाले बाबा यानी रूहान को, यानी कि कार्तिक आर्यन को, जो राजकुमारी का रोल निभाया है वो है अपनी तृप्ति डिमरी, जिसको हमने एनिमल में देखा था, उससे बेहतर काम इसमें किया है उसने। तो ये फिल्म वहां से शुरू हो जाती है, और रूहान यानी कि कार्तिक आर्यन वहां आ जाते हैं, और वहां के जो राजा कहलाते थे, जिनका राजपाट तो सब चला गया है, सिर्फ वो हवेली बाकी है, क्योंकि वो उस हवेली में रह नहीं सकते, क्योंकि उस महल में वो मंजुलिका रहती है, ऐसा उनका मानना है। तो वो रहते हैं एक बाजू वाले तबेले में, और उनकी हालत बहुत ही खस्ता है, और उनका जो परिवार है बहुत ही संकट में है। तो ऐसे में ये अपने रू वाले बाबा आ जाते हैं, और वहाँ जो चीज़ें होने लगती है उनके साथ भी, तो अजीब अजीब चीज़ें लगती हैं। वो उसमें है संजय मिश्रा जी है, राजपाल यादव है, और अपने कालसिकर है, ये सब जो रिपीट आर्टिस्ट है पिछले पार्ट में भी थे। तो वो थोड़ा सा कॉमेडी सीन क्रिएट करते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है, बहुत अच्छी कोशिश की कॉमेडी की, लेकिन पिछले पार्ट की तरह इसमें थोड़ा सा डाउनफॉल लगा मेरे को, ना कॉमेडी जमा नहीं उनको। ये थोड़ा सा राइटिंग का थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है कि जो कॉमेडी सीन वैसे नहीं हुए क्रिएट जैसे करना चाहिए थे। तो बाकी तो सब म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है, जैसा होना चाहिए जो हॉरर फिल्म होती है उसके लिए। जो बाकी वीएफएक्स वगैरह भी ठीक ठाक है, और एक्टिंग के बारे में बोले तो कार्तिक आर्यन अच्छी भूमिका है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसने थोड़ा सा क्या ज़्यादा ही अक्षय कुमार को अच्छी तरह से कॉपी किया है, अच्छी तरह से किया, इसलिए मैंने बोला कि क्योंकि वो फीलिंग हमें आनी चाहिए ना, तो उसी तरह से उसने उस कैरेक्टर को कैरी किया, इसलिए हमें अक्षय कुमार की याद आती है, क्योंकि पहले पार्ट में वो थे। तो बाकी उसका काम तो बहुत ही अच्छा है। फिर तृप्ति डिमरी में जैसे कि कहा कि उसने भी बहुत अच्छी अपनी भूमिका निभाई है, छोटा सा रोल है उसके लिए, छोटा सा यानी हीरोइन है फिल्म की, लेकिन दो गाने हैं, वो कोई खास नहीं है उसमें, लेकिन उसने ठीक ठाक काम किया है। और दूसरे जो उनके मामा जी के रोल में काम किया, राजेश शर्मा, बहुत गुणी कलाकार है, हमने उन्हें देखा है जैसे कि बजरंगी भाईजान से हमने देखते आ रहे हैं। उनका नाम तक लोगों को आज तक शायद मालूम नहीं, लेकिन उनका नाम है राजेश शर्मा सर, और बहुत ही अच्छी एक्टिंग की उन्होंने हर फिल्म की तरह, उन्होंने इसमें थोड़ा सा कैमियो रोल है। और बाकी है राजपाल यादव का है, संजय मिश्रा जी है, और अपने विजय राज जो कि राजा दिखाए, थोड़ा सा कॉमेडी क्रिएट किया है विजय राज ने, लेकिन उनको उस तरह के सीन लिखे नहीं उनके लिए, ऐसा लग रहा है मुझे। और वो कॉमेडी करते हैं लेकिन डायलॉग्स की कमी थोड़ी सी लग रही है मेरे को, तो वो भी ठीक ठाक है अपनी जगह। बाकी जो दो उन्होंने जो सस्पेंस क्रिएट किया था, जो कैरेक्टर्स थे माधुरी दीक्षित और विद्या बालन, बहुत ही हमने प्रमोशन में देखा उनको, वो कैरेक्टर्स आते हैं, माधुरी तो इंटरवल के बाद आती है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो कैरेक्टर्स, जब देखो विद्या बालन एक ऐसा नाम है कि जो कैरेक्टर इतना अच्छी तरह से पकड़ लेती है, जिसमें हमने मंजुलिका पहली पार्ट में देखी थी उसकी, तो अभी तक याद है, और माधुरी दीक्षित को तो हम सब जानते हैं कि वो
किस तरह के एक्ट्रेस है, तो उन दोनों एक्ट्रेस का सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि इतना अच्छा मौका था, दो अच्छे एक्ट्रेसेस आपके हाथ में थी, एक अच्छी कहानी जो सिक्वेल था अपने हाथ में था, लेकिन उनको उस तरह से डेवलप किया नहीं गया ऐसे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वेस्ट किया उनको, ऐसा भी लग रहा है मेरे को। मैं फ्रेंकली बोल रहा हूँ कि अच्छा निभाया, जो भी मिला उन्होंने अच्छी तरह से निभाया, लेकिन वो जो कैरेक्टर डेवलप होना चाहिए था या एस्टेब्लिश होना चाहिए था, वो दोनों कैरेक्टर उतने हुए नहीं इससे मुझे लग रहा है। बाकी तो फिल्म एक टाइम पास करके है, सस्पेंस क्रिएट किया है, लेकिन स्टोरी थोड़ी सी पीछे रह गई पिछले दो सीक्वल से। स्टोरी में थोड़ा सा अगर दम होता तो ये बहुत अच्छी फिल्म हो जाती थी, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, दो घंटे ढाई घंटे आराम से देख सकते हैं। ऐसे हॉरर फिल्म्स के जो चाहते हैं उन्हें तो बहुत पसंद आई, मुझे भी पसंद आई, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस था वो पूरा नहीं कर पा रही मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि दिवाली का मौका था तो एक बड़ी फिल्म आनी चाहिए थी, बड़ी कैनवास था, लेकिन वो इतना पूरा भरा नहीं है, थोड़ी सी कमी रहेगी अनिस भाई। तो फिल्म देखनी चाहिए, जरूर देखिए, अच्छी फिल्म है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा कि माधुरी है विद्या बालन है तो कुछ तो अलग सा होगा, लेकिन उतना अलग सा नहीं लग रहा। क्लाइमैक्स में थोड़ा सा ये हुआ है, लेकिन क्लाइमैक्स भी हमें जितना चाहिए था, जो हम सोच रहे थे कि क्लाइमैक्स में ऐसा हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, थोड़ा सा क्लाइमैक्स भी अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन उसमें वो मज़ा नहीं आता। तो बाकी गाने भी मैंने बोला कि दो गाने ही, कोई खास नहीं, उसमें शब्द भी याद नहीं रहते, जो पुराने गाने उसमें अपने बुलबुल है कि हरे राम हरे कृष्ण जो टाइटल ट्रैक है वो आखिर में आता है, और जो मंजुलिका का जो गाना है वो भी ठीक है, जो पुराना ही गाना था, बाकी कोई खास गाने नहीं। सिनेमेटोग्राफी ठीक ठाक है, डायरेक्शन जो है वो मैंने कहा कि डायरेक्शन के बजाय, डायरेक्शन ठीक है अनिस साहब का, लेकिन जो प्लॉट तैयार किया गया है जो स्टोरी का वो थोड़ा सा कम दिखता है, बाकी स्क्रीन प्ले भी अच्छा है, सिर्फ स्टोरी में कुछ ना कुछ कमी रह गई, इस वजह से थोड़ा सा हम निराश होते हैं। बाकी मैं इस फिल्म को 3 स्टार जरूर दूंगा, बाकी सब जो मसाला है वो अच्छी तरह से कूट कूट कर भरा है, इसलिए एक बार देखने में कोई हर्ज नहीं। तो दोस्तों मेरा प्रयास कैसे लगा, क्योंकि मेरा जो पॉडकास्ट है उसमें मैं मराठी फिल्म के रिव्यू देता हूँ, अभी सोचा कि चलो हिंदी के भी दे दूँ, और हिंदी ऑडियंस है, हिंदी फिल्म है, इसलिए मैंने जरूरी समझा कि मैं हिंदी में ये रिव्यू करूँ। आपको मेरी हिंदी कैसी लगी, आपका मेरा ये रिव्यू कैसे लगा, ये जरूर कमेंट में लिखिए। कोई गलतियाँ कोई खामियाँ जरूर रहेगी, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम उसमें सुधारने की कोशिश करूंगा, अगली बार फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।